आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुरादाबाद के गांव खैया खादर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। 1400 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती आलम जवां संभाले हुए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुरादाबाद के खैया खद्दर गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम यहां के प्रधान प्रतिनिधि से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान प्रतिनिधि के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ प्रधान का नाम क्या है? श्रीमती आलम जहाँ। आपके वो क्या है, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं तो प्रधान कौन है, आपकी भाभी हैं? भाभी हैं जी। यहाँ 4 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक गांव में करवाए हैं? गांव में काफ़ी विकास कार्य कराया है। रास्ते बहुत खराब थे जिससे निकलने से गांव वालों को बहुत परेशानियाँ आती थी। अब जो है लगभग 70% सुविधा बढ़िया हो गई है जी। थोड़ा रहा है 30%, वो भी अब कराने कुछ काम चल रहा है और हो सकता है अगले साल में पूरे होते होते तक पूरा हो जाए जी। यहाँ आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं 11। ODF हो गया गांव ODF हो गया है। 156 शौचालय मिले थे। सरकार की जो योजनाएं हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ सभी को मिलता है यहाँ? हाँ, उज्ज्वला कनेक्शन में गैस सभी को मिल चुका है। लगभग 70% कनेक्शन हो चुके हैं और बिजली कनेक्शन भी लगभग 65-70% ही हो चुके हैं। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, कितने परसेंट लोग आपके गांव में ले पाए? तो वो तो लगभग 50% लोग ले पाए। पेंशन वगैरह सबको मिल रही है? पेंशन भी अब तो खैर नहीं आई है लगभग 6-7 महीने से, मगर फिलहाल मिल रही है। सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके गांव? सफाई की व्यवस्था बढ़िया है। सफाई कर्मी नियमित आता है? आता है। स्कूल पर क्या क्या काम करवाए आपने? स्कूलों में टैल्स लगवाई है और समरसेबल टंकी और फर्नीचर ये सब सुविधा जो है हो गई है। इतना सौंदर्यकरण करवाने के बाद में क्या आपने गत वर्षों से अब अपने कार्यकाल के वर्ष में स्कूल में कोई बदलाव देखा है? छात्रों की संख्या बढ़ी है? बहुत बदलाव हुआ है, किस तरह से हुआ? बहुत बदलाव आया। अभी खेल में एक मंडल पे खेल हुआ था जिले पे, वो हमारे गांव की लड़की उसमें फर्स्ट आई है। प्राइमरी विद्यालय की? नहीं, जूनियर हाई स्कूल की। सरकारी बिल्डिंग में आपके ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा बारात घर है? नहीं, बारात घर नहीं है। पंचायत घर? पंचायत घर भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र? दो आंगनवाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान है? खेल का मैदान स्कूल के अंदर ही है, स्कूल में काफी जगह है जिसमें खेल मैदान। शमशान घाट कब्रिस्तान बने हैं? शमशान घाट भी बना है, कब्रिस्तान भी बना। बाउंड्री वॉल हो रखी है? हाँ, बाउंड्री वॉल हो सकी है दोनों का। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? प्रमुख मांग तो यही है सर के जो मतलब एक तो बारात घर पंचायत घर आ जाए, पंचायत में आप चाहेंगे कि हाँ, ये एक तो बारात घर मिल जाना चाहिए, एक पंचायत घर मिल जाना चाहिए। इससे जो है इसके अलावा और एक सुविधा में वो दिक्कत है कि यहाँ पे जो अस्पताल नहीं है, भोजपुर जाना पड़ता है या फिर भोजपुर भी नहीं लगता हमारा, ताजपुर लगता, काफी दूर का यहाँ से फासला पड़ता होगा आपको। जो गर्भवती महिला टाइम पे ज्यादा परेशानी दिक्कत होती है। क्या 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा यहाँ समय पर मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है आसानी? 100 नंबर को भी समय मतलब जैसे बात करते हैं तो जैसे मामला दूर का है तो जैसा आपने अभी बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए या कोई भी आकस्मिक घटना यहाँ घट जाती है तो उसके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है अस्पताल तक जाने के लिए, तो क्या एम्बुलेंस की सुविधा आपको समय पर मिल जाती है? कोई परेशानी करने से लगभग 25-30 मिनट से ज्यादा लगते हैं आने में, मिल जाती है जी। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में? नहीं, और तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बाकी काफी विकास आपने यहां कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहां बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहां गांव में करवाया गया है, जैसे सीसी कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है। लेकिन अब अगर यहाँ की समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो काफी मूलभूत समस्याएं यहाँ नजर आती हैं। प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि यहाँ सबसे प्रमुख समस्या अस्पताल की है, जो कि काफी किलोमीटर दूर जाकर इनको सुविधा मिल पाती है जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ बारात घर और पंचायत घर को लेकर भी ये मांग करते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह। कहाँ के नागरिक हो? मैं यहाँ का इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये जो रास्ता बनाया है प्रधान जी ने, ये आप देख रहे हैं जी, तो ये क्या पोजीशन थी पहले? बहुत गंदा था, परेशानी होती थी, कीचड़ था, और प्रधान जी ने बहुत अच्छा करके जो है
खड़ंजा करा दिया टाइल्स को और बहुत बढ़िया सुविधा कर दी। बहुत 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 धन्यवाद प्रधान जी का इस कार्य के लिए।